इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से मीकास्ट सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, अपने मोबाइल का डाटा किस तरीके से आप अपने टीवी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं। तो आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसएलपिंग हैंड। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे एप्लीकेशन नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सेटअप बॉक्स में है, जो कि हमने एक सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर किया है। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों GX6605S5815 चिप सेट का। अगर आपके पास ये सेटअप बॉक्स अवेलेबल है तो आप अपने सेटअप बॉक्स में ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने यहां पर एक एप्लीकेशन ओपन किया है दोस्तों, जो कि मीकास्ट नाम से है। और जैसे हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है दोस्तों, आपके सामने एक नया इंटरफेस आ चुका है, जो कि आपको यहां पर सबसे पहले नेम दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि हमारे चैनल का नेम है। दोस्तों, आप यहां पर से अपना भी खुद का नेम यहां पर से बना सकते हैं। जैसे ही बनाएंगे दोस्तों, आपको यहां पर ओके प्रेस करना है, तो यहां पर ये आपका डिवाइस का नेम यहां पर सेव हो जाएगा। तो यहां पर हमने अपने चैनल का नेम लिखा है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है दोस्तों, अपने मोबाइल से प्ले स्टोर या अन्य किसी वेबसाइट से आपको जो है दोस्तों मीकास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वैसे भी मैं आपको ये लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहां पर सर्च करेंगे दोस्तों मीकास्ट टीवी। यहां पर दोस्तों हमने ऑलरेडी यहां पर मीकास्ट टीवी एप्लीकेशन को सर्च किया है और हमने यहां पर डाउनलोड भी कर लिया है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, हमने यहां पर डाउनलोड किया है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहां पर डिवाइस का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहां पर फिलहाल मैं आपको कोई डिवाइस शो नहीं करेगा। इसके लिए दोस्तों, अपने मोबाइल से आपको जो है दोस्तों अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन कर लेना है। दोस्तों, जैसे हम वाईफाई ऑन कर लेते हैं तो आपके सामने यहां पर एक डिवाइस शो होगा दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आपने देख सकते हैं, यहां पर हम अपने सेटअप बॉक्स में दिखा देते हैं। डीएस हेल्पिंग हैंड नाम से आपको यहां पर एक डिवाइस दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहां पर अपना एंड्रॉयड मोबाइल अपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन में आपको और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और आपको जो दोस्तों इस एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज करना है, सारी डिटेल हम शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको एक नंबर ऑप्शन डिवाइस का मिलता है, दूसरा ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है सोशल मीडिया का, जो कि आप यहां पर यूट्यूब, फेसबुक सभी यहां से चला सकते हैं। तीन नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो आपकी गैलरी यहां पर ओपन हो जाती है, इमेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहां पर आपको दिखाई देता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमने यहां पर एक इमेज को ओपन कर दिया है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। और अभी फिलहाल में आपको ये टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर ये टीवी स्क्रीन पर शो करना है तो आपको यहां पर से ये बटन प्रेस करना होगा। तो यहां पर दोस्तों, जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ ही सेकंड में आपके टीवी स्क्रीन पर ब्लैक स्क्रीन आएगी और आपके जो मोबाइल पर स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है, आपके टीवी स्क्रीन पर वो इमेज शो हो जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो इमेज हमने आपको यहां पर मोबाइल पर दिखाई है, वो इमेज आपको यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और कुछ बातें इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर जो आपको डाटा शो हो रहा है दोस्तों, ये सभी डाटा आपका मोबाइल का आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जो भी आपकी गैलरी में शो करता है। तो आप यहां से इमेज, वीडियो, ऑडियो सब यहां पर से देख सकते हैं और यहां से सुन सकते हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक एक क्लिप आप यहां से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहां पर जो दोस्तों, अगर आपको अपने सेटअप बॉक्स का रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आपको यहां पर चार नंबर ऑप्शन आपको मिलता है दोस्तों अपने सेटअप बॉक्स के रिमोट का, जो कि यहां पर पूरी तरीके से वर्क करता है। आप यहां पर देख सकते हैं, हम इन्हें इसे एग्जिट किया तो यहां पर ये यहां से एग्जिट हो चुका है। हम यहां से मेनू प्रेस कर रहे हैं दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सेटअप बॉक्स का मेनू ओपन हो चुका है। हम यहां से ओके प्रेस करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं मीकास्ट एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो चुका है दोस्तों। फिर से एक बार ओके प्रेस करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये रिमोट भी यहां से चला सकते हैं। आपका सेटअप बॉक्स का रिमोट अगर खराब हो चुका है तो इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप जो है दोस्तों अपने सेटअप बॉक्स का रिमोट चला सकते हैं। तो फिलहाल में हम बैक साइड में आते हैं और हम जो है दोस्तों आपको यहां पर एक वीडियो को प्ले करके दिखा देते हैं। दोस्तों, आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे हम इस वीडियो को प्ले करेंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो वीडियो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो वीडियो आपको यहां पर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है दोस्तों।
आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल का डाटा अपने सेटअप बॉक्स में देख सकते हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं। तो काफी अच्छा मीकास्ट का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो कि लगता है GX6605S5815 के बोर्ड में। अगर आपके भी पास ये सेटअप बॉक्स है तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप भी इसी एप्लीकेशन का यूज करके अपने एंड्रॉइड मोबाइल का सारा डाटा आप जो है दोस्तों अपने टीवी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। तो काफी अच्छे सॉफ्टवेयर है दोस्तों, देखने में और यूज करने में काफी अच्छा है। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, और एक इमेज हम आपको यहां पर शो करके दिखा रहे हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने इस बटन को प्रेस किया तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी इमेज यहां पर ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल का सारा डाटा आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं, ऑडियो वीडियो के ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं, और यहां पर खास बात जो दोस्तों इसका रिमोट आपको यहां पर काफी अच्छा मिल जाता है, जो कि 100% यहां पर वर्क करता है दोस्तों, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, और बाकी सारे सब ऑप्शन आपको यहां पर शो करेंगे। जब भी आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन यहां पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है ये वीडियो काफी सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जिनको ये वीडियो फेक लग रही होगी दोस्तों। तो उनके लिए हम आपको यहां पर दिखा दें कि ये एप्लीकेशन रियल में वर्क करता है, इसका रिमोट भी रियल में वर्क करता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने यहां पर एक साइड में हमारा मोबाइल है जिसमें एप्लीकेशन है रिमोट का, और दूसरे हाथ में आप यहां पर रिमोट कंट्रोल देख सकते हैं, जो कि हमारे सेटअप बॉक्स का। तो यहां पर से हम जो मोबाइल का एप्लीकेशन है रिमोट का, इसे हम ओके प्रेस करते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं ओके बटन प्रेस हो चुका है। फिर से एक बार हम ओके प्रेस करके दिखा देते हैं, तो यहां पर मीकास्ट का सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन यहां पर ओके हो रहा है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जिट का बटन किया तो यहां पर एग्जिट हो चुका है। फिर से हमने मेनू का बटन प्रेस किया तो आप यहां पर देख सकते हैं मेनू का बटन प्रेस हो चुका है। अब हम आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस का बटन प्रेस करके दिखा देते हैं। यहां पर आप साइड में देख सकते हैं एप्लीकेशन यहां पर चेंज हो रहे हैं दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर हम रिमोट से अपने रिमोट कंट्रोल से कुछ भी प्रेस नहीं कर रहे दोस्तों, जो भी प्रेस कर रहे हैं वो मोबाइल के एप्लीकेशन से प्रेस कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने इसलिए बताया कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को फेक कहेंगे, तो इसलिए दोस्तों हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी रियल वीडियो है हम बनाते हैं। तो यहां पर ये एप्लीकेशन 100% वर्क करता है, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सवाल है तो आप वहां से हमें लिख सकते हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से अपने सेटअप बॉक्स में मीका सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपना डाटा टीवी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी दोस्तों। तो ऐसी ही और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकॉन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और आप जो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।